जरा सोचो तुम्हारे हाथ में एक ऐसा फोन लग जाए जो जो खुद ही तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करने लगे, लेकिन चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है सिड नाम के एक ऐसे लड़के से जो कि एनजी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद किया करता था। तभी उसका दोस्त टाइगर वहां पर आता है और कहता है कि तुमको अपने दिल की बात एनजी से कह देनी चाहिए, और वो उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। जिसके बाद सिड एनजी के पास स्केटबोर्ड लेकर जाता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो सीधा कचरे के डिब्बे में जाकर गिरता है। जिसके बाद एनजी उसको उठाने के लिए उसके पास आती है, मगर सिड तो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। एनजी शहर में नई थी इसलिए सिड उसको शहर घुमाने के लिए पूछता है, और वहीं दूर खड़ा स्कूल का बदमाश लड़का विरगिल भी एनजी को पसंद किया करता था, लेकिन विरगिल को सिड से कोई खतरा नहीं था। और अब एनजी सिड से उसका मोबाइल नंबर मांगती है, मगर अपने सिड के पास तो फोन होता ही नहीं है। मगर तभी उसका दोस्त टाइगर बीच में एंट्री मारकर सब बात संभाल लेता है, और वो एनजी से कहता है कि सिड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके पिछले गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था, इसलिए गुस्से में सिड ने अपना फ़ोन तोड़ दिया था। अब वेरगल अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता है जिसकी आवाज़ सुनकर वहां से अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। अब घर पर पहुंचकर सिड ने अपनी माँ से अपना जन्मदिन मनाने के लिए कुछ पैसे मांगे थे, मगर उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे इसलिए वो बस उसे 20 यूरो ही दे पाई थी। इसके बाद सिड गिरता पड़ता एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है जहाँ पर वह काम किया करता था, और आज भी वह काम पर लेट हो गया था इसलिए बॉस उसे आज भी डांटने लगते हैं। कहते हैं कि समय पर काम से आ जाया कर। और अपना काम खत्म करने के बाद सिड जब तनख्वाह मांगता है तो बॉस बस उसे 100 यूरो पकड़ा देते हैं। शुरुआत में तो सिड काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह नोट नकली था। इसके बाद सिड फोन खरीदने के लिए दुकान पर जाता है, उसके पास सिर्फ 20 यूरो ही थे इसलिए वो कोई ढंग का फोन नहीं खरीद सकता था, और दुकानदार ने उसको कुछ सस्ते पुराने फोन दिखाए थे जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मगर अचानक से दुकानदार पीछे वाले कमरे में जाता है जिसमें से वह एक डिब्बा लेकर आता है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था, और उसके अंदर एक चमकदार लाल रंग का फोन था जिसके दो सींग भी थे। सिड को वो फोन बहुत पसंद आया इसलिए उसने तुरंत पैसे भी दे दिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो फोन चलता ही नहीं है, और शायद दुकानदार को यह बात पहले से मालूम थी। सिड ने दुकानदार से अपने फोन के पैसे वापस मांगे, मगर तभी अचानक से फोन चलने लगा और उसने सिड की तस्वीर भी खींच ली, और यह देखकर दुकानदार ने फोन वापस लेने की कोशिश की, मगर सिड वहां से भाग जाता है। मगर उधर स्कूल में क्लेमेंस नाम की एक लड़की थी जिसे बालों के ऐड के लिए चुना गया था। अब तभी सिड भी वहां पर आ जाता है और वह एनजी को अपना नया फोन दिखाता है और कहता है कि तुम मुझसे इस पर कॉल कर सकती हो, मगर क्लेमेंस उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है और फोन तुरंत अपने आप क्लेमेंस की तस्वीर खींच लेता है। अब सिड ने एनजी को अपना नंबर दे दिया था और कॉल करने के लिए कहा था। अब इसके बाद केमिस्ट्री क्लास में फ्रैंकलिन नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ टाइगर का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसकी मॉम एक ज़माने में मॉडल हुआ करती थी, और इस वजह से सिड की उससे लड़ाई होने लगती है, इसलिए टीचर उन सभी बच्चों को सजा देते हैं। अब थोड़ी देर बाद सिड के फ़ोन ने खुद ही मार्गोट को कॉल कर दिया, और तुरंत ही मार्गोट ने क्लेम्स के बालों में आग लगा दी। मार्गोट को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिरकार ये कैसे हुआ, और वो कहने लगी कि सब गलती से हुआ है, और क्लेमेंस को तो कुछ पता ही नहीं था, और आखिरकार किसी ने उसके ऊपर कपड़ा डालकर आग बुझा दिया। अब इसके बाद मार्गोट को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। मार्गोट बताती है कि उसको एक कॉल आया था जिसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। प्रिंसिपल भी मार्गोट के बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वह मछलियों से बातें करने में बिजी था। अब रात के समय हम सिड को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है, और वो एनजी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था, और उसे पता भी नहीं चलता कि फ़ोन ने कब एनजी को कॉल लगा दिया। और जब फ़ोन पर दूसरी तरफ से एनजी ने हेलो कहा तो सिड की हालत ख़राब हो गई, और उसने घबराते हुए झूठ कह दिया कि मैं तो नाटक की तैयारी कर रहा था। और फिर उसने देखा कि कॉल हिस्ट्री में तो मार्गोट का भी नंबर था। अब अगले दिन सिड जब स्कूल जाता है तो वह टाइगर को बताता है उसके फ़ोन ने खुद ब खुद मार्गोट को और एनजी को कॉल कर दिया, लेकिन टाइगर उससे कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, तूने ही शायद किया होगा गलती से। अब तभी मैथ टीचर सिड के मुंह पर एक चौक मारकर उससे सवाल पूछता है। सिड को सवाल का जवाब मालूम नहीं था इसलिए वह चुप रहता है, मगर उसके फ़ोन पर अपने आप ही सवाल का जवाब आने लगता है, और यह सब कुछ टाइगर भी अपनी आंखों से देख रहा था। अब सिड जवाब बता देता है, लेकिन टीचर उसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए डांटती है, और टीचर सिड से फ़ोन छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब क्लास खत्म होने के बाद सिड फ़ोन लेने के लिए जाता है तो फ़ोन बिल्कुल ठीक हालत में होता है, और वह दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार फ़ोन को यह जवाब पहले से कैसे पता था।
और दूसरी तरफ शाम के समय टीचर को एक फ़ोन आता है और जब टीचर फ़ोन उठाता है तो वो भी वहीं पर जम जाता है। अब अगले दिन सिड उठता है तो वह देखता है कि उसका फ़ोन उसको जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहा था और स्कूल जाते वक्त सिड टाइगर को बताता है कि उसका फ़ोन खुद ब खुद उसके जन्मदिन की बधाई दे रहा है। और अजीब बात तो यह है कि उसने अपने जन्मदिन की तारीख फ़ोन में डाली ही नहीं थी। टाइगर को समझ आ गया था कि उस फ़ोन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सिड को फ़ोन फेंकने के लिए कहता है। मगर सिड कहाँ मानने वाला था, उसको तो इस फ़ोन की मदद से काफ़ी फ़ायदे हो रहे थे। अब टाइगर फ़ोन से केमिस्ट्री क्लास में हुई लड़ाई की सजा से बचाने के लिए कहता है। अब तभी उस फ़ोन पर प्रिंसिपल की असिस्टेंस का कॉल आता है और वह सिड को प्रिंसिपल समझ रही थी और सिड ने फ़ायदा उठाकर अपनी सजा माफ़ करवा ली और कैंटीन में डोमिनोज का खाना मंगवा लिया। इस फ़ोन की पावर से वह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फिर सिड ने अपने फ़ोन का नाम हेल्पफोन रख दिया और वह अपने फ़ोन से एक ट्रिप बुक करने को कहता है। और उधर दूसरी तरफ स्कूल का टीचर चौक की उल्टी कर रहा था। इसके बाद टाइगर ने सिड से हेल्पफोन उधार मांगा ताकि वह अपने मॉम डैड को फिर से कर सके। मगर सिड ने उसको समझाया कि फ़ोन ने उसको चुना है तो वह सिर्फ उसका है। मगर उसने फिर भी टाइगर को फ़ोन उधार दे दिया। टाइगर के फ़ोन छूते ही वह फ़ोन बंद हो जाता है और गुस्से में टाइगर फ़ोन को पानी में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। सिड फ़ोन को पानी से बाहर निकालता है तो वह फिर से चलने लगता है। अब अगले दिन विर्गिल टाइगर की मॉम का एक पोस्टर लगाकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ कोई एनगी का आईफोन छीनकर वहां से भागने लगता है और इस दौरान वह सभी स्केटबोर्ड पर आईफोन वापस लेने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर विर्गिल अपनी गाड़ी से चोर के पीछे भागने लगता है। मगर तभी उसके पास एक फ़ोन आता है और जैसे ही वह फ़ोन उठाता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उधर सिड चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वह एनगी का फ़ोन वापस कर देता है, जिसके लिए एनजी उसको थैंक यू बोलती है। मौका देखकर सिड फिर से उसे कहीं ले जाने के लिए पूछता है, मगर एनजी कहती है कि कल उसका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और उसको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसलिए वह कहीं बाहर नहीं जा सकती। अब अगले दिन टाइगर सिड को समझाता है कि इस फ़ोन की वजह से विर्गिल को कितनी चोट लगी है तो उसको ये फ़ोन फेंक देना चाहिए। मगर सिड कहता है कि अभी वह मरा तो नहीं है ना, और आज वह फ़ोन की मदद से एग्ज़ाम में एनजी को नकल करवाने वाला था। और वह अपने हेल्पफोन से प्रिंसिपल को कॉल करता है और उनसे एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब थोड़ी देर बाद विर्गिल और उसके दोस्त उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उनकी काफ़ी धुलाई करते हैं। मगर तभी उसी वक्त विर्गिल को एक कॉल आता है, लेकिन सिड उसको धक्का देकर फ़ोन गिरा देता है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। अब तभी क्लेमेंस भी वहां पर आ जाती है और विर्गिल को बताती है कि आज सिड एनजी को एग्जाम में चीटिंग करवाने वाला है, इसलिए विर्गिल टाइगर और सिड को छोड़ देता है और उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। एनजी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाता है और एनजी खुश होकर कैंटीन में सिड को अपने पास बैठने के लिए कहती है, जिस वजह से विर्गिल तो गुस्से में लाल जाता है और फिर वो सिड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसके पिता ने तो इसकी मॉम को किसी और के लिए छोड़ दिया, जिसकी वजह से सिड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और काफ़ी गुस्सा भी आता है। और वह उठकर वहाँ से चला जाता है और वह अपने हेल्पफोन से विर्गिल को कॉल करने के लिए कहता है। और कॉल को उठाने के बाद विर्गिल पागलों की तरह टेबल पर खड़ा होकर नाचने लगता है, जिसके बाद वह सारे कपड़े उतार कर खुद को शर्मिंदा करता है। उसके दोस्त उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर विर्गिल अपने दोस्त को ही किस कर लेता है और यह देखकर एनजी वहाँ से बाहर चली जाती है और सिड भी उसके पीछे पीछे जाता है। वह देखता है कि एनजी अपनी विग उतार रही है जो कि उसने क्लीमेंस की खातिर पहना था। और मौका देखकर सिड एक बार फिर एनजी से बाहर घूमने के लिए पूछता है और इस बार एनजी खुशी खुशी हाँ कर देती है। उधर घर पर सिड की मॉम को एक खत मिलता है, लिखा था कि उन्होंने एक ट्रिप की टिकट जीती है, दरअसल यह सिड ने ही खरीदी थी। और वह एनजी से मिलने जा रहा था तो उसको अपने बॉस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद उसके बॉस को एक कॉल आता है और फ़ोन उठाने के बाद वो अपने ऊपर गरम तेल फेंक लेता है। और उधर सिड एनजी के आलिशान बंगले में पहुंच जाता है, जहां से वह एनजी को पिक करता है और एक महंगी गाड़ी में उसको घुमाने के लिए ले जाता है। और उधर विर्गिल और उसके दोस्तों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कोई ना कोई तो फ़ोन करके उन लोगों से अजीब अजीब हरकतें करवा रहा है। और अब एनजी वहां से निकलती है तो पता चलता है कि ये उसके पापा की गाड़ी है। अब थिएटर में सिड एनजी को हेल्पफोन का सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह तो अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल आया था। और जब वह बाहर गाड़ी से अपना फ़ोन लेने के लिए जाता है तो विर्गिल और उसके दोस्त सिड को पकड़ लेते हैं और उसको पीटने लगते हैं। और उसको पीटने के बाद वह उसकी गाड़ी लेकर चले जाते हैं।
सिड जब वापस थिएटर में पहुंचता है तो एनजी उसकी मरम्मत पट्टी करती है और वह उसे बताता है कि उसने वीरगिल के पापा की गाड़ी उधार ली थी क्योंकि वह खुद इतना अमीर नहीं है। मगर एनजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर वीरगिल और उसके दोस्त गाड़ी लेकर जा ही रहे थे कि सिड का फोन बजने लगता है और वीरगिल का दोस्त जैसे ही फोन उठाता है वह चलती गाड़ी से अपने आप ही कूद जाता है। उसकी जान तो बच जाती है मगर तभी एक चलता हुआ ट्रक उसके ऊपर से निकल जाता है जिसकी वजह से उसकी चटनी बन जाती है और उधर सिड और एनजी को पुलिस पकड़कर ले जाती है क्योंकि वीरगिल ने उस पर फोन से लोगों को सम्मोहित करने का इल्जाम लगाया था। और जब ऑफिसर हेल्पफोन दिखाकर उससे सवाल करने की कोशिश करता है तो हेल्पफोन खुद ही पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देता है और जब पुलिस ऑफिसर फोन उठाता है तो मुस्कुराता है और वह सिड को फोन वापस करके उसको रिहा कर देता है। और जब सिड स्टेशन में होता है तो उसको वीरगिल के फ्रेंड के मरने की खबर मिलती है और अब उसके समझ आ चुका था कि हेल्पफोन कितना ज्यादा खतरनाक है। और वह भागता हुआ कोने में जाता है और वह फोन से पूछता है कि वह आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है और फोन उसको जवाब देता है कि वह सिड से प्यार करता है। अब सिड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह टाइगर के घर जाता है मगर यहाँ की सिचुएशन देखकर वो टाइगर के घर से बाहर निकल जाता है और वह खुद ही उस फोन को तोड़ने की कोशिश करता है मगर उस फोन को कुछ भी नहीं होता और काफी परेशान होकर वह फोन को एक नाले में फेंक देता है। अब अगले दिन मार्गोट, क्लेमेंस और वीरगिल सभी लोग एनजी के घर पर पहुंच जाते हैं और एनजी उन सभी को बताती है कि यह सब कुछ सिड के फोन की वजह से हो रहा है। उसने हेल्पफोन को खुद ही लोगों को फोन करते हुए देखा है और उधर सिड के घर पर कुछ लोग आते हैं जो कि सिड को उसका फोन वापस कर देते हैं। अब तभी टाइगर भी वहां पर आ जाता है और वे दोनों मिलकर इस फोन से छुटकारा पाने का प्लान बनाते हैं। अब तभी हेल्पफोन सिड को खुद ही कॉल करता है और कहता है कि उसका अगला शिकार एनजी है। और उधर जब एनजी के घर पर फोन बजता है तो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जैसे तैसे क्लेमेंस उस फोन को उठाती है और फोन उठाते ही वह हकलाने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। लेकिन क्लेमेंस तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फोन पर एनजी की माँ होती है जो कि उसको गैस बंद करने के लिए कहती है। अब तभी मार्गोट के पास कॉल आता है। फोन उठाने के बाद वो अपना फोन वीरगिल को पकड़ा देती है और फोन की वजह से वह खुद को ही चाकू मार लेती है और वीरगिल उबलता हुआ दूध अपने सामने खड़ी एक लड़की पर फेंक देता है मगर डेविड वीरगिल को बेहोश कर देता है और बाद में उनका फोन फिर से बजता है और इस बार फोन वीरगिल के कुत्ते ने उठाया था जिसके बाद उसका कुत्ता डेविड को बुरे तरीके से काट लेता है। अब तभी सिड और टाइगर वहां पर भागकर पहुंचते हैं और बेचारी एनजी अपनी मॉम से लड़ रही थी और वह दोनों जैसे तैसे उसकी मॉम को बेहोश कर देते हैं और एनजी उन दोनों को बताती है कि बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब वे मशीन में फोन को तोड़ने का फैसला करते हैं मगर सम्मोहित हुआ वीरगिल उनका रास्ता रोक लेता है। सिड उसका सामना करने लगता है और बाकी लोग मशीन का पासवर्ड सोचने लगते हैं। वीरगिल आ रही लेकर सिड को मारने की कोशिश करता है मगर वीरगिल खुद ही मारा जाता है और फिर सिड एनजी का नाम पासवर्ड में डालने की कोशिश करता है और आइडिया काम कर जाता है और देखते ही देखते फोन टूट जाता है मगर वह फोन धीरे धीरे फिर से हेल्पफोन में बदलने लगता है और वह लोग उसको सीधा उठाकर स्कूल पहुंचते हैं। लेकिन वो फिर एक साथ सारे बच्चों को कॉल कर देता है। एनजी चिल्लाते हुए सभी बच्चों को फोन उठाने के लिए मना करती है मगर तभी प्रिंसिपल वहां पर आ जाता है और वह अपना फोन टीचर के कान पर लगा देता है जिसकी वजह से वो टीचर वहीं पर मारा जाता है। यह देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वह इधर उधर भागने लगते हैं और अभी स्कूल के हजारों बच्चे उन लोगों को मारने के लिए आ रहे थे। तभी सिड को आइडिया आता है और वो अपने फोन को लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल देता है। लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल फिर से उस फोन को बाहर निकालता है और वह फोन हजारों बच्चों के बीच में जाकर गिरता है। टाइगर किसी तरीके से उस फोन को ले लेता है और वह उस फोन को लिक्विड नाइट्रोजन में डालने वाला होता ही है कि एक बच्चा अपना फोन टाइगर के कान पर लगा देता है। लेकिन टाइगर फिर भी फोन को टैंक में डाल देता है और देखते ही देखते वह फोन जम जाता है। अब टाइगर बताता है कि उसने पहले ही अपने कान में रुई डाल ली थी और अब सभी दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं और उसके बाद वो तीनों मिलकर उस टैंक को एक समंदर में हमेशा हमेशा के लिए डुबा देते हैं। और क्या आप लोग भी ऐसा ताकतवर फोन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।